अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी खबर है, मेहनती कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी इनाम देने जा रही। निगम मंडलों में मिलेगी कार्यकर्ताओं को जगह, अच्छे परफॉर्मेंस वाले कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की तैयारी है। जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से खबर है, चुनाव में सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ा इनाम मिलेगा, मेहनती ईमानदार कार्यकर्ताओं को इनाम देने की तैयारी है। बीजेपी कार्य समिति बैठक में कुछ सुझाव भी आए थे और नियुक्तियों को लेकर बाद में वरिष्ठ नेता जब बैठे थे चर्चा भी हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने जो कहा वो किया है। मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी हुई है, 163 सीटें लेकर आए हैं, 29 की 29 लोकसभा जीतकर क्लीन स्वीप किया है। इससे लगता है कि वहां का जो कार्यकर्ता है उसको उसका प्रतिसाद मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, ऐसी खबरें हैं। अब कितने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी, कहां किसको क्या मिलेगा, ये बाद में समझ आएगा। लेकिन निगम मंडलों में बिल्कुल सच बात है कि आने वाले दिनों में नियुक्ति होना है और कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद ये नियुक्तियां की जा सकती है। देखिए, भाजपा का तो मूल आधार ही कार्यकर्ता है और सामूहिक नेतृत्व कार्यकर्ता का चयन दायित्व बोध के आधार पर करता है कि ताकि किस कार्यकर्ता को क्या काम मिलना है, वो उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं और उसकी रुचि के अनुसार होता है। तो इस सब पर जब जब निर्णय होना होता है तो सभी लोग मिलकर विचार करते हैं और इस बार भी करेंगे। चलिए, वो कह रहे हैं, आशीष अग्रवाल है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है और यहाँ जो काम करता है उसको उसकी मेहनत का प्रतिसाद या ये कहा जाए इनाम मिलता ही है। और बीजेपी में कब क्या होगा ये आगे संगठन और सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग तय करेंगे। लेकिन संकेत जो मेरे पास खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि 15 अगस्त के बाद मंडलों में नियुक्ति होना है और उसमें इस बार ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जो खाटी कार्य करता है, मेहनत करता है, क्योंकि रिजल्ट परफॉर्मर है, वो रिजल्ट भी देता है।